हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आगे मैं फिर एक बार आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम स्माइल फेस का प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोड लिख लिया हूँ पहले से ही। तो मैं आपको रन करा के इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करके इसका आउटपुट लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्माइल फेस मैं बनाया हूँ और ये एक बॉक्स के अंदर है। तो चलिए इसका आप कोड देखते हैं और समझते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट लिखा हूँ, C++ ग्राफिक्स स्माइल फेस कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राफिक लाइब्रेरी यूज़ किया हूँ, ग्राफिक्स डॉट एच, और ये जो बाकी लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं कॉमनली वो सब यूज़ किया हूँ, ठीक है, अदर फंक्शंस के लिए। तो ये सब तो आप जानते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट मेन, और यहाँ वॉइड है। तो वॉइड आप नहीं भी लिखी है तो भी चलेगा। तो मैं वॉइड मिटा के भी आपको रन करा के दिखा देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉइड का मतलब होता है ब्लैंक, तो वो एक ब्लैंक स्पेस था। तो मैं उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंट ड्राइवर डिटेक्ट जी मोड एरर कोड, ठीक है। तो ग्राफिक ड्राइवर हम डिटेक्ट करते हैं, और जी मोड होता है ग्राफिक मोड। एरर कोड का मैं प्रोग्राम अभी नहीं लिखा था, तो मैं एरर कोड वेरिएबल को हटा दिया हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पे हम ग्राफिक इनिशियलाइज करते हैं, तो जी ड्राइवर और जी मोड लिखते हैं, और यहाँ पे लोकेशन देते हैं। तो ये लोकेशन मेरे में है सी ड्राइव में टर्बो C3 और BGI। आपके में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, तो आप वो देख के लिखें, ठीक है। BGI का लोकेशन देना होता है। उसके बाद मैं एक फ्रेम बनाया हूँ। तो फ्रेम क्या है, फ्रेम एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर मैं आप स्माइल फेस बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं वो रेक्टेंगल भी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे टेक्स्ट इन मिडिल मैं लिखा हूँ, क्योंकि सारे टेक्स्ट मिडिल में है। तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये एक बॉक्स आया, और इस बॉक्स के अंदर में स्माइल फेस बाय ऋषभ हैक्स लिखा है, जो कि टेक्स्ट है और वो मिडिल में है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल जो है वही हमारा फ्रेम है। तो वापस आते हैं कोड पर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये कुछ कोड लिखा हूँ, यही है टेक्स्ट का कोड। तो यहाँ पर आउट टेक्स्ट XY फंक्शन यूज़ किया हूँ, और ये फॉन्ट मैं यूज़ किया हूँ ट्रिप्लेक्स फॉन्ट। तो इसमें कुछ ही फॉन्ट आते हैं, अगर आपको जानना है तो आप एस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, इसका हेल्प खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक स्यूडो कोड दिखेगा, या फिर आप इसको एग्जांपल डेमो कह सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफिक्स फॉन्ट और ट्रिप्लेक्स फॉन्ट वगैरह, ग्राफिक्स का फॉन्ट वगैरह मेंशन किया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम देख के वहाँ से लिख सकते हैं। हॉरिज डाई लिखे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और 3 साइज़ है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको वापस से ये कोड लिखना है अपने में। और यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ सेट लाइन स्टाइल, ठीक है। तो मैं सॉलिड लाइन यूज़ किया हूँ, और बीच में यूज़र पैटर्न होता है 0, और 3 होता है लाइन का थिकनेस, ठीक है। तो ये सेट लाइन स्टाइल था, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। आप इसका भी देख सकते हैं एस पे जाके राइट क्लिक करके। यहाँ पे बहुत तरह का लाइन हमें मिलता है, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर, डैश और यूज़र बिट लाइन, ठीक है। तो आप इसका नाम यूज़ करके इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन स्टाइल को, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट स्माइली फेस की तरफ। सबसे पहले मैं सेट कलर येलो किया, ताकि जो बॉर्डर का कलर होता है वो येलो सेट हो जाए, ठीक है, और येलो कलर का एक सर्कल बन जाए। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेट फिल स्टाइल। तो इसमें सॉलिड फिल और येलो कलर फिल किया हूँ। तो सॉलिड फिल मतलब होता है कि पूरे एरिया में फिल हो और येलो कलर फिल हो। उसके बाद मैं सर्कल ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट और रेडियस दे के, ठीक है। ये X है, ये Y है, और ये रेडियस है सर्कल फंक्शन का, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको सर्कल नहीं ड्रॉ करने आता है। फिर मैं फ्लड फिल यूज़ किया। तो फ्लड फिल में आपको क्या करना होता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके बीच में आपको लाना है एक पॉइंट। तो मैं 101 कर दिया हूँ, और यहाँ पे 151 कर दिया हूँ, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट उस सर्कल के बीच में आ जाता है। और येलो कलर क्योंकि सेट कलर का कलर येलो है, ठीक है। फिर मैं सेट कलर ब्लैक किया हूँ आइज ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे वैसे ही सेट फिल स्टाइल यूज़ किया हूँ, सॉलिड फिल और ब्लैक। फिर सर्कल ड्रॉ किया, ये कोऑर्डिनेट्स है उसका एक्स और वाई का, और ये रेडियस है 3, ठीक है, आइज क्योंकि छोटा होता है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे फ्लड फिल यूज़ किया हूँ, और फ्लड फिल में आपको कलर वही डालना है जो सेट कलर का कलर है, ठीक है। सेट कलर और सेट फिल स्टाइल का कलर है, वही कलर डालना है, ठीक है। फिर से मैं वैसे ही सर्कल यहाँ ड्रॉ किया हूँ, और ये एलिप्स है। तो एलिप्स में बहुत सारे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें पहला और दूसरा होता है XY कोऑर्डिनेट, उसके बाद थर्ड और फोर्थ होता है उसका एंगल कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, और लास्ट का दो जो है वो एंड और एंड एंगल और स्टार्ट एंगल होता है, मतलब कितना हाइट और कितना विड्थ होगा, कितना डेप्थ होगा, ठीक है। तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं आई बटन में कहीं लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं नीचे। वैसे ही सेकंड स्माइली फेस का प्रोग्राम है ये, मतलब कोड है ये, और यहाँ पे वैसे ही कोऑर्डिनेट्स मैं दिया हूँ, तो आप इसका कोड्स कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थर्ड स्माइली फेस का है, ठीक है।
तो वैसे ही मैं कोऑर्डिनेट्स यूज़ किया हूँ, यहाँ पे भी येलो कलर है और ब्लैक से आइज ड्रॉ किया हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थर्ड स्माइली फेस ड्रॉ करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको डॉटेड फिल कर दूँ और रन कराते हैं तो लगता है डॉटेड फिल है नहीं इसमें, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सेट फिल स्टाइल होता है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एस पे जाके और नीचे स्क्रॉल करूँगा और उसके बाद देखूँगा यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा है, एम्प्टी फिल है, सॉलिड फिल है, लाइन फिल है, एलटी स्लैश है, स्लैश है, बैक स्लैश है, बहुत सारा है। तो हम यूज़ करके देखते हैं इसमें से कुछ। तो मैं यहाँ पे इस डॉटेड फिल को मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ लाइन फिल और देखते हैं लाइन फिल कैसा है। तो मैं इसको रन कराता हूँ कंट्रोल F9 से, देख सकते हैं थर्ड वाले स्माइली फेस में ये लाइन आ गया, तो यही इसका लाइन फिल है और सॉलिड फिल में नॉर्मल फिल होता है। उसके बाद एक होता है स्लैश फिल, तो हम स्लैश फिल देखते हैं। तो स्लैश फिल में आप देख सकते हैं ये लाइन तो आया लेकिन ये डायगोनली आ गया, तो ये स्लैश फिल था। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं सॉलिड फिल क्योंकि वही अच्छा लग रहा था पहले। उसके बाद मैं वैसे ही कलर फिल किया हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्लड फिल वगैरह मैं यूज़ किया हूँ और उसके बीच का कोऑर्डिनेट यूज़ किया हूँ और लाइन फंक्शन यूज़ किया हूँ, ठीक है। वैसे ही फोर्थ यहाँ स्माइली फेस बनाया हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं तीन एलिप्स यूज़ किया हूँ क्योंकि मुझे दो आईज भी एलिप्स से बनाना था और एक जो लिप्स होता है फिर जिसको आप माउथ बोलते हैं वो भी मुझे ये एलिप्स से बनाना था स्माइली फेस का। तो मैं ये तीन एलिप्स यूज़ किया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सबका सेट कलर मैं ब्लैक कर दिया और मैं शुरू में ही इसका लाइन स्टाइल को कर दिया था थिकनेस बढ़ा दिया था उसका। तो उसके लिए एक कमांड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा था कहीं पे, यहाँ पे नीचे में मैं लिखा था, देख सकते हैं यहाँ पे सेट लाइन स्टाइल, तो सॉलिड लाइन यूज़र पैटर्न 0 और थिकनेस 3। तो इस कारण से ये नीचे जितना भी कोड लिखा है ये सारे पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो आप ऊपर एक बार लिख दीजिएगा तो वो सारे पे अप्लाई होगा। अगर आपको सारे का सेट कलर एक बार करना है तो आप ऊपर लिख दीजिएगा सेट कलर, फिर गेट CS से स्क्रीन होल्ड और क्लोज ग्राफ से इनिट ग्राफ क्लोज और रिटर्न 0 इंट मेन के कारण। तो हो गया, यही कोड था हमारा। तो हम इसको एक बार और आउटपुट चेक करते हैं कंट्रोल F9, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये आ रहा है। तो होप आपको समझ में आया हो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल में जाके और एग्जिट कर देता हूँ क्विट, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगा ईमेल पे, ठीक है। तो वॉच मोड पे क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक बताएं, ठीक है। तो और भी मेरे C++ ग्राफिक्स के वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ एक अपने चैनल पे। बाय बाय।